शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बल्कि ठाकुर, इसकी क्या जरूरत थी? बेटी की शादी इतनी हड़बड़ी में हुई कि हम कुछ दे ले नहीं पाए, इसलिए थोड़ा बहुत। आप अपनी लाडली के घर भेंट में उसकी गृहस्थी फूकने का सामान लेकर आए। हमारा कारोबार बहुत फैला हुआ है और करने वाले हम अकेले। अगर आपको और शिवांश को ठीक लगे तो शिवांश हमारे साथ काम कर सकता है। ससुर के हाथ के नीचे काम करते हुए दामाद की क्या इज्जत रह सकती है? हमें तो लग रहा है कि आप हमारी बात का बुरा मान गए। देखिए, अगर आपको बुरा लग रहा है तो हम ये सब सामान वापस ले जाते हैं। आप अपनी बेटी के लिए लाए हैं तो वही तय करें क्या रखना है क्या नहीं रखना है। नमस्ते। ठीक, हम चलते हैं। देखिए, हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो हम माफी चाहते हैं। जी, अब इस सब का क्या करेंगे? करना क्या है, पड़े रहने दो। जिसके लिए आया है वही देखेगी क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम अंदर आ जाए। शिवांच कहाँ रह गए? बड़े अच्छे लग रहे हो आप आज। आखिर पति किसके? चलिए। चलिए, लेट हो रहे। श्रवणी, सिंदूर, यार तुमने शादी कर ली, पार्टी कहाँ है? पार्टी? चलिए हमारे साथ कैंटीन, पार्टी करवाते हैं आप सबको। अरे, ये शिवांश है, हमारे पति, यहाँ के कैंटीन मैनेजर है। कैंटीन मैनेजर? यार तुम क्लास की टॉपर हो, हमें लगा था किसी डॉक्टर वॉक्टर से शादी की होगी। कैंटीन मैनेजर? अच्छा, कोई बात नहीं, हम कैंटीन की फ्री पकौड़ों से ही काम चला लेंगे। और कोल्ड ड्रिंक? कोई बात नहीं, मुखड़े पे मर मिट्टी होगी। हाँ, मन मिटे। लेकिन तुम लोग क्यों इतना जल रही हो? नहीं नहीं, हमें क्यों जलन होगी, हम तो बस यूं ही मजाक कर रहे थे। और वैसे भी हमें रोज फ्री पकौड़े खाने हैं कि नहीं? ठीक है, बाद में मिलते हैं।
हमारी क्लास का समय हो गया है, बाद में मिलते हैं। हम भी शकुन लाए हैं, बधाई देने आए थे आपको। क्या बात है, आपके यहाँ तो दिवाली पर लक्ष्मी खुद आई है। हवेली से बहू जो आई है, आपके तो दिन ही बदल गए। समदन जी, चाय नहीं पानी पिला दीजिए। जी बैठिए बैठिए। सुना है कि शिवांश को वो क्या कहते हैं, कैंटीन बॉय की नौकरी मिल गई है। खैर उसे का काम करने की जरूरत है, अब भानु जी शवनी को नया अस्पताल खुलवा देंगे तो मालिक तो वही होगा ना, है ना। का किस्मत है, जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं है ना। पानी लीजिए। शुक्रिया, आपको देर हो रही होगी ना, अब आप जाइए। कितनों का मुंह बंद करोगी वसुधा, ठीक ही तो कह रही है बड़की ठकुराइन। दुनिया तो यही कहेगी। हम जानते हैं कि आपका पोता बहुत स्वाभिमानी है, पर जब पैसे और स्वाभिमान की लड़ाई होती है ना, बहुत सारे रिश्ते डगमगाने रखते हैं। अभी है हम यहाँ, ऐसे कैसे रिश्ते डगमगाएंगे। जब समाज और बिरादरी में आपकी घर की बहू डॉक्टर का कोट पहनकर निकलेगी और आपका पोता जब किसी कैंटीन में चाय पकौड़े बेच रहा होगा, तब आप क्या कर लेंगे। आपका पोता कितने भी उछल कूद कर लेना, श्रवणी की ऊंची छलांग का मुकाबला नहीं कर सकता। बड़े घर की बेटी है, बड़े कॉलेज में पढ़ती है, बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं उसके। रॉब तो उसी का चलेगा, याद रखिएगा। चलते हैं। गीली लकड़ी सुलगाती है, पहले धुआं उठेगा फिर धीमे धीमे आग लगेगी। छठ पूजा का सारा सामान ले आए, आप एक बार देख लीजिए ना। ठहरो दुल्हन, देखो ब्याह हो गया है, हमारे घर में नई बहुरिया सारा भार संभालती है। जी जी हाँ, अब तो अपने सास को थोड़ी सी छुट्टी दे दो। लेकिन अम्मा, हमारा सपना डॉक्टर बनने का है और उसी की पढ़ाई। सपना बदल दो दुल्हन, अभी ब्याह हुआ है फिर बच्चा होगा, अब ये गृहस्थी की नैया संभालो, पढ़ाई की नहीं। एक साथ दो नाव की सवारी नहीं हो सकती। नहीं अम्मा, हम परिवार और पढ़ाई दोनों जिम्मेदारियां निभा लेंगे। नहीं होगा,
अपनी किताबें तो सारी लाई हो, पर पूजा का कुछ सामान भूल गई हो तुम। सॉरी अम्मा, हम अभी बाजार जाके जो सामान रह गया वो ले आते हैं। रहने दो, कोशिश करना कि ये सॉरी वॉरी फिर से सुनना ना पड़े। अब पढ़ाई का मोह छोड़ दो, बस यही एक रास्ता है। नहीं अम्मा, हम अपना सपना छोड़ के नहीं जी पाएंगे। जीना पड़ता है दुल्हन, जीना पड़ता है। तुम तो बड़े बोल बोल रही थी कि परिवार से ऊपर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तो अब साबित करो। ठीक है अम्मा, साबित कर देंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ पाएंगे अम्मा। पढ़ाई के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे और साबित कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो कल से 4 दिन की छठ पूजा है और तुम्हारा व्रत है जी। सब कुछ बिना गलती से होना चाहिए, सारे नियमों के साथ। ठीक है अम्मा। और जो नहीं कर पाई तो, अगर पूजा अधूरी रह गई और कोई गलती हो गई तो? अगर व्रत टूटा तो तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दोगी। ठीक है अम्मा, मंजूर है। अगर छठी मैया हमारे साथ है ना, तो हम हर बाधा पार कर लेंगे। ठीक है माँ, अब जाओ। निभा लोगी तुम, जानते हैं हम। बहुत अच्छी तरह से संभाल लोगी पढ़ाई और गृहस्थी, लेकिन पत्नी पति से 4 पग पीछे अच्छी लगती है, नहीं तो आज नहीं तो कल शिबू का कद छोटा ही हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे पग रोकने जरूरी है। चाहे इसके लिए तुम्हारी छठ पूजा में विघ्न ही क्यों ना डालना पड़े। छठी मैया माफ कर देना हमको। नेत्रा तुम चिंता ना करो, श्रमणी बहुत खुश है, चेहरा दमक रहा था उसका। अब कुछ भी तकलीफ होगी तो हम संभाल लेंगे, फिक्र मत करो तुम, ठीक है? आखिर ताऊ जी ने ऐसा क्यों किया? आज हम अपने सवालों के जवाब लेकर ही जाएंगे। श्रमणी बिटिया, तुम यहां कैसे? बेटियां अपना ससुराल छोड़ के नहीं आती। आती है ताऊ जी, जब बेटियों को लड़ना हो तो आ जाती है। आपने हमारे घर ना सारा सामान भिजवा दी, लेकिन एक चीज तो भूल ही गए ताऊ जी, क्या चीज? हम अभी लाते हैं। एक सबसे जरूरी चीज। विश्वास। ताऊ जी, जब हमने आपसे कहा कि हम जिस हाल में खुश हैं, तो आपको हम पर विश्वास क्यों नहीं हुआ? आपको लगा कि आप इतना सारा सामान भिजवाएंगे, गहने जेवर, इसकी कमी खल रही है हमें, से खुश हो जाएंगे हम। आपको
अपने दामाद पर भी विश्वास नहीं था जी। आपको नहीं लगता वो हमको खुश रख सकते हैं? ताऊजी, हम मरते दम तक आपकी बेटी रहेंगे इस हवेली में। आपके दिए संस्कार हम लेकर जा रहे, एक बहू बनकर जा रहे ताऊजी। हमारी किस्मत में भले सिर्फ एक रोटी हो, कि जानते हम दोनों वो रोटी खुशी खुशी मिल बांट कर खाएंगे। ताऊजी, हम अपनी गृहस्थी खुद बनाएंगे अपने मेहनत के दम पर। तुम पे पूरा भरोसा है। हम तो बस भरोसा है ना ताऊ जी, बस अब यही हमारी पूंजी भी है और हमारा दहेज भी यही है। हम इस सौगात को माथे से लगा के ले जा रहे ताऊ जी। आपके आगे सर चुका के आपका सारा दिया सामान लौटा रहे ताऊ जी, बड़े आदर के साथ। भाभी जी, सामान। आशीर्वाद दीजिए ताऊ जी, एक दिन हम खुद ये सब कुछ अपने दम पर कमा सके। हमें तुम पे पूरा विश्वास है, हमने तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। ताऊ जी, आप भला हमें कभी ठेस पहुंचा सकते? हम तुमको कहे थे ना मजनू, हमारी श्रवणी बिटिया बहुत समझदार है। हमसे? हाँ, तुमसे। कब? तुम ही तो हमको फोन किए थे ना, खुद भी चिंता में रहे, हमको भी चिंता में डाल दिए तुम। बड़के ठाकुर, हम कुछ समझे नहीं, हमारी आपसे कब बात हुई? अरे तुम ही तो फोन किए थे हमको और कह रहे थे कि ऐसो आराम के बिना श्रवणी को नींद नहीं आ रही है। भाभी जी, हम ऐसा कुछ नहीं बोले। किस नंबर से फोन आया था? अरे ये लो देखो। बड़के ठाकुर, ये हमारा नंबर नहीं है। तो किसका नंबर है? पता नहीं। तो हमको फोन किसने किया? हमें लगता है ये ताई जी ने किया है। ही कर सकती है ताऊ जी, लेकिन आप छोड़िए, जाने दीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए हमारी, हम बिल्कुल ठीक है और उस घर में बहुत खुश है। खुश रहो, सदा खुश रहो। उस घर में लक्ष्मी की तरह रहो, सरस्वती की तरह विराजो, अन्नपूर्णा की तरह सबको खिलाओ और नित्य सुमंगली रहो। खूब तरक्की करो बेटा, इस घर की तरह उस घर को भी खुशियों से भर दो।
तुम्हारी गृहस्थी को किसी की नजर न लगे, बाकी हम सब संभाल लेंगे। कल एग्जाम्स है और कल छठ भी है, पता नहीं सब ठीक होगा कि नहीं। लाखों में एक है हमारी पत्नी, देखना बहुत अच्छे से करेंगे आप। अरे ये बिजली कैसे चली गई, ये मोमबत्ती भी नहीं मिल रही है, कैसे देंगे परीक्षा भगवान। ये पढ़ाई तुम दोनों की खुशहाल गृहस्थी का काल है, इसको तो रोकना ही होगा। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।